नमस्कार दोस्तों, मैं शनि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश एसटीडी गुरु में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट के UFM अप्लाई करने के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के एग्जामिनेशन से शेड्यूल जारी कर दिए गए, हालांकि कुछ एग्जामिनेशन शेड्यूल कैंसिल भी कर दिए गए हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। चाहे वो BEd के हों, चाहे BE के हों, इन सभी स्टूडेंट के बारे में फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल अंश एसटीडी गुरु को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की ये नोटिफिकेशन आज अभी जारी की गई है। लिखा है अधिसूचना। लिखा है तद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा BEd प्रथम द्वितीय और MBBS थर्ड प्रूफ वर्ष 2021 के परीक्षा के दौरान अनुचित साधन UFM यानी कि अनफेयर मेंस में आरोपी छात्र छात्रों से संबंधित प्रकरण में निरुद्ध परीक्षार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई है। जो स्टूडेंट जैसे BEd प्रथम वर्ष और MBBS थर्ड प्रूफ के जो 2021 के परीक्षा के दौरान अनुचित साधन अनफेयर मीन्स का है, उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। उसी के साथ में ये भी बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है ये भी देख लीजिए। लिखा है इस संबंध में अनुचित साधन का प्रयोग UFM में आरोपित छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि तत्क्रम में अपना स्पष्टीकरण पक्ष निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित संस्थान के माध्यम से अधोहस्ताक्षरित करा करके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर ले, अन्यथा किसी स्थिति में समस्त उत्तरदायी संबंधित छात्र एवं छात्राओं एवं संस्थान का होगा। अगर आप को कोई आपत्ति होती तो आप अपने कार्यालय में उपलब्ध कराना, डॉक्यूमेंट सबमिट कर ले, नहीं तो आपकी सारी जिम्मेदारी होगी। जैसे कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनकी भी लिस्ट जारी की गई सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ आपका मेंशन किया गया है, आपका लिखा है वर्ष 2021 मुख्य परीक्षा BEd प्रथम वर्ष और MBBS सेकंड प्रूफ की परीक्षाएं UFM में आरोपित छात्र छात्राओं की सूची। उसी के साथ में आपके जो स्टूडेंट BEd के हैं जो और आपके जो बताया जा रहा है MBBS के हैं, उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट जारी की गई है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 18 स्टूडेंट का यहाँ नाम मेंशन किया गया है, उनका रोल नंबर, उनका सब्जेक्ट, उनका सब कुछ मेंशन किया गया है, वो देख सकते हैं पूरा फुल डिटेल्स में। आपको नोटिफिकेशन लिंक भी दोस्तों प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से भी क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।